दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड है। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे कि कोई ऐसी वीडियो बताओ जिससे हमारे स्किन में सभी प्रॉब्लम दूर हो जाए। जैसे एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है, स्किन में किसी तरीके का ग्लो नहीं आ पाता है, काफ़ी डार्क स्पॉट हो चुके हैं स्किन में, काफ़ी प्रॉब्लम है एक्ने पिंपल की, उसको किस तरीके से रिपेयर करें, किस तरीके से स्किन की क्लीनिंग करें, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। और दोस्तों इस वीडियो पर मैं छोटा सा लाइक का टारगेट रख रहा हूँ 1000, जो आपको जल्दी से जल्द पूरा करवा देना। और दोस्तों इस चैनल पर पहली बार वीडियो को वॉच करो तो नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन जाओ। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो है ऑरेंज। दोस्तों एक स्मॉल ऑरेंज आपको ले लेना है, उसको छील करके उसके पीसेस करके उसको पीसना है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फ़ायदे की, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स पाए गए जो हमारे स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। दोस्तों इसके अंदर विटामिन B12, विटामिन E पाए गए जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, स्किन में ग्लो लाने का काम करता है, स्किन को बिल्कुल डीपली क्लीन करता है। दोस्तों काफ़ी अच्छी चीज़ें अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करोगे तो इस ऑरेंज को हमने कट कर दिया और इसका रस कुछ इस तरीके से निकाला जा रहा है। दोस्तों आप किसी भी तरीके से इसको निकालें, इसके रस को निकालें। दोस्तों उसका रस निकलने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब हमें इसके अंदर मिलाना है वो है कॉर्नफ्लोर। चलिए पहले हम बात करें कॉर्नफ्लोर के फ़ायदे की। दोस्तों कॉर्नफ्लोर के अंदर मिनरल्स और एमिनो एसिड पाए गए जो हमारे स्किन को हेल्दी रखने का काम करते हैं। जैसे कि आपकी स्किन सन से डैमेज हो गई या आपकी स्किन में काफ़ी दाग धब्बे, मेलाज्मा की प्रॉब्लम हो गई, उसको बिल्कुल डीपली क्लीन करके स्किन में ग्लो भी लाएगा और स्किन में एक वाइटनिंग भी देगा। तो ये काफ़ी अच्छा नेचुरल कंटेंट है। तो हमें 1 से 2 चम्मच के करीब एक बाउल के अंदर निकाल लेना, और चाहो तो आप डायरेक्टली इस जो हमने रस को निकाला ऑरेंज के रस के अंदर ही मिक्स कर देना है। और उसके बाद हमें थर्ड चीज़ लेना है, वो भी थोड़ी सी लेना है, थोड़ी सी अमाउंट में लेना है, आधा चम्मच से भी कम लेना है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्किन में एक्ने पिंपल हो तो कम ही इसकी क्वांटिटी रखना। दोस्तों इसके बाद हमें लेना है वो है हल्दी। दोस्तों हल्दी यानी टर्मरिक, ये भी बहुत ही फायदेमंद होती है हमारी स्किन को ग्लो करने के लिए और स्किन में एक वाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट माना जाता है। ये भी काफ़ी स्किन के लिए फ्रेंडली होती है अगर जिन लोगों को सही तरीके से लगाओ, यानी सही तरीका मैं जो आपको बताऊँ ये पेस्ट बन जाएगा। तब इसको आपको अप्लाई किस तरीके से करना है, कई लोग क्या करते हैं ऑयली स्किन पर ही इसे यूज़ कर लेते हैं जिससे उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले चेहरे को वॉश करना है और वॉश करने के बाद आपको पूरे अच्छी तरीके से स्किन पर ये लगा लेना है, जाड़ा लेप लगाना है, आधे घंटे तक आपको लगाए रखना है, उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।